एशेज को अगर हम लोग उनकी जो अस्थियां थी उसको नदी में ना बहाकर, क्योंकि हम लोगों को बोला जा रहा है, बोला जाता रहा है कि ये तो नदियों में बहाई जाती है, लेकिन नदियों के हालात शायद आप लोगों को मेरे ख्याल से अच्छे से पता होंगे। जो हमारी सबसे पवित्र नदी है इसका नाम है गंगा, इसको बोला जाता है कि गंगा जल पिएंगे तो हम अमर हो जाएंगे या पवित्र हो जाएंगे। लेकिन एटमेंट एक रिसर्च कहती है कि दिस इज द मोस्ट टॉक्सिक वाटर इन द वर्ल्ड, सबसे जहरीला पानी अगर हम उसे पिएंगे तो मर जाएंगे। लेकिन हमारा अंधविश्वास है कि हम उसमें अपने सारे कर्म कांड पैदा होने से लेके मरने तक उसी में करते आएंगे। पैदा होंगे तो बाद उसमें बहाएंगे, मरेंगे तो अपनी अस्थियां उसमें बहाएंगे। तो मैंने उसको अपने आप से चेंज करते हुए हम लोगों ने इस कार्यक्रम को हमने क्या करा है, हमने उनकी अस्थियां उसमें ना बहाकर हमने एक पेड़ लगाया है उनकी याद में, और उनकी अस्थियों को हमने उस पेड़ में प्रवाहित किया है। सब लोग मेरे साथ एग्री करें या मेरे जैसा ही करें, अगर आप लोगों को लगता है जो हमने कराया है वो एक सही शुरुआत है तो शुरुआत कहीं ना कहीं से करनी होती है, और पहले शायद अपने आप से ही करनी होती है। तो हमारे पास एक मौका था और हमने उनकी आप में, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन शायद यही कहते कहते 20-30 साल इससे आपने गुजार दिए कि हम लोग परिवर्तन की तरफ आगे बढ़े। तो मेरा सबसे यही एक छोटी सी गुजारिश है कि हम ऐसी शुरुआत करके लोगों के दिल में इंप्रेशन क्रिएट कर सकते हैं और आगे के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। कि क्या है वो भीड़, वो भीड़ है या समूह है या संगठन है, भीड़ बनना है या संगठन बनना है, वो हमें निश्चित करना है, निश्चय करना है, निर्णय लेना है। तो हम भीड़ नहीं है, हम संगठन है, हम समूह है जिसका एक निश्चित गोल होता है। तो गोल को बनना है तो मैं ब्राह्मण होने के नाते वो पूरा नहीं होने दूंगा, ये तो ब्राह्मण का डायलॉग था। और फसलों को कैसे शासन मिलना है उसकी हम बात करते हैं, यही असली जागरण है। एक उदाहरण मैं अपना कहना चाहूंगा, देश 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और उसमें एक घटना जो सोशल मीडिया पर आपको दिखाई दी, वो सोशल मीडिया पर वो जो घटना है उसकी मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि एक लाश है, ये तमाम बहुसलों की लाश है, जहां पर उनको रास्ता नहीं दिया जा रहा, उस लाश को वो एक पुल बना हुआ है उस पर बांधकर रास्ता दूसरे देकर वो रास्ता दे रहे हैं। यानी हम मर रहे हैं तब भी हमें रास्ता नहीं है, और हम जिंदा है तो क्या वो रास्ता देंगे? रास्ता वो ना दे, लेकिन रास्ता हम लोगों को अख्तियार करना है, क्योंकि हमारे पास महापुरुषों का पूरा एक बनाया हुआ विधान है। हम सबको उसकी बात करनी है, यहाँ पर हमें तय करना है इस देश पर शासन उन लोगों का होगा जो कद्दार है, या उस इस देश पर शासन उतना होगा जो मेहनत की बात करते हैं, अधिकारों की बात करते हैं, या संविधान की बात करते हैं। यानी सीधे सीधे रूप में एक बात कहना चाहूंगा, अब इस देश में या तो मनुस्मृति रहेगी या भारतीय संविधान रहेगा, और जीत अगर होगी तो भारतीय संविधान की होगी, उसकी हमें पूरी पूरी देखरेख हमें करनी होगी। आज के जो स्टार वक्ता है वो हमें बताएंगे क्या वो तरीके है जिसके माध्यम से बहुजन हम शासन प्राप्त कर सकते हैं, हम शासन में जा सकते हैं। सब लोग कह रहे हैं राजनीति में जाना चाहिए, सब लोग कह रहे हैं शासक पे बनना चाहिए। अरे शासक बनने के लिए बहुत सारे स्ट्रेटेजी की जरूरत होती है, बहुत सारी योजनाएं की जरूरत होती है, बहुत सारे रास्तों की जरूरत होती है, बहुत सारे हम समाज के अंदर काम कर रहे हैं, लोगों में बहुत सारा निराशा है, लोग हमारे बहुत ज्यादा व्यक्तिवादी हो गए हैं। इस सारी चीजों को हमें खत्म करना होगा, एक पॉजिटिवनेस की हमें वेलकम करना होगा, और एक निराशा बिल्कुल खत्म करनी होगी हम सबको, और सामाजिक बनना होगा। बात बहुत सारी सी है लेकिन एक बात हमें तय करनी है, इस देश में बहुजन कब तक आतंकित होता रहेगा और कब तक उसके अधिकार छीनते रहेंगे, इसलिए हमें तय करना होगा। आज की पूरी की पूरी गोष्ठी मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे जितने भी कार्यक्रम होते हैं वो केवल टाइम पास नहीं होते, ये जितने भी जो लोग आ रहे हैं ये जागरूक है और एक प्रण लेकर यहाँ पर जाएंगे कि हम लोगों को क्या करना होगा। मंच पर जितने सारे वक्ता है कि हमें दिशा देंगे, हमारे पास अच्छे से अच्छे वक्ता है, तो हम सबको उनका स्वागत करना होगा और उनको सुनना होगा। इतनी सी बात कहकर मैं एक बात कहकर अपनी बात खत्म करूंगा कि देखिए आज जो एक नई लीडरशिप आ रही है, एक जो नई आवाज आ रही है, जो कहती नहीं है, जो
पर देनी है, उस आवाज को हमें वेलकम करना होगा। प्रोफेसर रतनलाल जी को मैं जानता हूं, आप पर 12 केस है, लेकिन ये कह रहे हैं अगर 100 केस भी हो गए तो मैं ऐसे ही आवाज करता रहूंगा। इसी तरह से हमारे पूर्वचंद्र यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर रवीश कुमार जी आए हैं, मैंने इससे पूछा आपको कितना समय लगा, आपको बड़ी दिक्कत आ गई होगी पूर्वचंद्र से यहां तक आने में। उन्होंने कहा ये तो कुरुक्षेत्र की बात कह रहे हो, अगर मैं लंदन भी होता तो भी मैं आता। तो ऐसी लीडरशिप को हम चाहे जो तमाम जो बहुसंख्यक के नायक जो आते हैं, इनका हमें वेलकम करना होगा, इनका स्वागत करना होगा और इनकी दिशाओं पर हमें चलना होगा। साथियों भारतीय मत एक दिशा है जो बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, एक ही दिशा जो फूले महाराज कहते हैं, एक ही दिशा जो पेरियार जी कहते हैं, हमें उसकी बात माननी होगी और नई लीडरशिप जो यूथ आ रही है उसका स्वागत करना होगा। इसलिए किसी भी निराशा की हमें जरूरत नहीं है, एक आशा की हमें जरूरत होगी और जितने भी सारे लोग जो नई बात कह रहे उसका स्वागत हमें करना होगा। ये लोग आश्रम को गिरा सकते हैं लेकिन कोई बात नहीं, क्या वैदास की वाणी को खत्म कर सकते हैं, इनमें इतनी हिम्मत नहीं है। इसलिए कबीर को खत्म नहीं कर सकते, रैदास को खत्म नहीं कर सकते, पेरियार को खत्म नहीं कर सकते, ये आवाज बुलंद आवाज है और ये आवाज को खत्म कर सकते, लेकिन इसी आवाज से सैकड़ों और आवाज उठेगी, इसी की हम लेकर चलेंगे। ये तमाम दूसरों की आवाज है, ये लंबे समय तक हमें चुप नहीं कर सकते। अब अगला शासन हमारा होगा, अब अगला राज हमारा होगा, बस सकते कि हम सबको जो नई लीडरशिप आ रही है, नई जो अभिव्यक्ति आ रही है उसका स्वागत करना होगा। अपने दिलों से सबकी कोई गुंजाइश मत रखिए साथियों, वो लोग उनकी चाल है डिवाइडर रूल की, हमारी ऐसी कोई चाल नहीं है, तमाम सारी जातियों में इकट्ठा लेकर चलिए, ये मिशन है बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन। मैं एक बात कहकर अपनी बात खत्म कर रहा हूँ, ये जो नई आवाज है, ये जितने भी सारे हमारे यूथ है, प्रोफेसर लता लाल जी, प्रोफेसर रवीश कुमार जी, प्रोफेसर वर्मा जी, इन सबका स्वागत करना होगा। यदि आप मुझसे सहमत है तो अपने अपनी सीट पर आप खड़े होकर चाय भी बोल दीजिए, हम उनका स्वागत करना चाहते हैं। अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।